दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की सबसे रिचेस्ट स्पोर्ट्स लीग में आईपीएल नंबर दो पर आता है। 2024 के हिसाब से आईपीएल की वैल्यू पूरे 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 80 करोड़ रुपए निकलते हैं। आईपीएल के ऊपर सिर्फ नेशनल फुटबॉल लीग है जिसकी वैल्यू 16 बिलियन डॉलर है। इंडिया में बढ़ रही क्रिकेट की दिलचस्पी की वजह से आईपीएल हर साल अपनी कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड से तोड़ता ही जा रहा है और अब आईपीएल सीजन 17 की शुरुआत हो चुकी है और हर साल की तरह हमें इस साल भी आईपीएल टीम के सभी ओनर्स मतलब नीता अंबानी, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, इनके पास अपनी टीम के कितने प्रतिशत शेयर्स हैं और बाकी के शेयर किन लोगों के पास है, आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल द डायमंड टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। और नंबर वन टीम है चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम में से एक और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टीम, जिन्हें किंग ऑफ आईपीएल भी कहा जाता है, और उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग, जिसकी ओनरशिप चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट लिमिटेड नाम की कंपनी के पास है, जिसकी ओनरशिप इंडिया सीमेंट के पास है। दोस्तों आईपीएल के सबसे पहले सीजन 2008 से ही इंडिया सीमेंट चेन्नई सुपर किंग की मालकिन बनी हुई है और इस समय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन है। एन श्रीनिवासन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग और बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसलिए चेन्नई सुपर किंग की टीम मैनेजमेंट का काम भी एन श्रीनिवासन ही संभालते हैं। चेन्नई सुपर किंग तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड एम एच चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम है। सो नंबर दो पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। साल 2008 में विजय माल्या ने इस टीम के लिए 111.6 मिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 819 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कि तब की दूसरी सबसे हाईएस्ट बिड थी। ये बात अलग है कि सितारों से भरी ये टीम आज तक एक भी आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई। इस टीम की ओनरशिप इस समय यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड कंपनी के पास है, जिसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कृपालू हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है और इसका होम ग्राउंड एम एच चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों साल 2009, 2011 और 2016 की रनर अप टीम रही इस बेंगलोर, क्या इस साल आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या हर बार की तरह इस साल भी ये टीम अपने फैंस को निराश कर देगी, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर तीन पर आती है मुंबई इंडियंस। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के साथ ही सबसे ज्यादा 5 बार अपने नाम ट्रॉफी करने वाली मोस्ट सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस ने 16 आईपीएल सीजन में 5 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की है। मुंबई इंडियन की ओनरशिप 2008 से ही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। जब 2008 में आईपीएल की टीम और फ्रेंचाइजी बनाई जा रही थी तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी को लगभग 821 करोड़ रुपए में खरीदा था। इस रकम के साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे महंगी बिकने वाली टीम बन गई थी। मुंबई इंडियंस टीम के मैनेजमेंट और सभी जरूरी कामकाज को मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी ही संभालते हैं। मुंबई इंडियंस महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों अब नंबर चार पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और बॉलीवुड के वेटरन एक्ट्रेस जूही चावला की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज तक 2 बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, जिसमें 2012 और साल 2014 शामिल है। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप शाहरुख खान की कंपनी रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट के पास है और ये कंपनी टीम के 55% हिस्सेदार की मालिक है। टीम की दूसरी ओनरशिप मेहता ग्रुप के कंपनी के पास है, जो कि इस टीम के 45% हिस्से की मालिक है। मेहता ग्रुप और कंपनी के अध्यक्ष जय मेहता है और जय मेहता बॉलीवुड की एक्ट्रेस जूही चावला के पति भी है। कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 5 पर आता है गुजरात टाइटंस। 2022 में ही डेब्यू करने वाली और अपने डेब्यू साल में ही आईपीएल का खिताब जीतकर सबको हैरान कर देने वाली टीम गुजरात टाइटंस की ओनरशिप सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स के पास है, जो गुजरात टाइटंस को रिप्रेजेंट करती है और इनका स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें एक साथ लगभग 1,32,000 लोग मैच का आनंद उठा सकते हैं। और इस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे, जो कि 2024 में अब सुभमन गिल बन चुके हैं और इस टीम के कोच आशीष नेहरा हैं। और इस फ्रेंचाइजी को हासिल करने के लिए सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए दिए और ये बीसीसीआई के बेस प्राइस से भी लगभग 160% ज्यादा है।
दोस्तों नंबर 6 पर आती है दिल्ली कैपिटल। दोस्तों अपने नाम के साथ अपना परफॉर्मेंस भी चेंज करने वाली दिल्ली कैपिटल की टी ओनरशिप दो कंपनी JSW और JMR ग्रुप के पास है। दोनों कंपनी शुरुआत से ही एक साथ नहीं थी। दोस्तों 2008 में JMR ग्रुप ने अकेले इस टीम को खरीदा था और उस समय दिल्ली कैपिटल टीम का नाम दिल्ली डेयर टेबल्स था। फिर 2008 से 2017 तक इस टीम की ओनरशिप सिर्फ JMR ग्रुप के पास थी, जबकि 2018 में JSW ग्रुप ने 550 करोड़ रुपए की राशि चुकाकर इस टीम का 50% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। दिल्ली कैपिटल के डायरेक्टर पार्थ जिंदल हैं और पार्थ जिंदल ही IPL की नीलामी और टीम के संचालन जैसे कामों को संभालते हैं। दोस्तों इसके साथ ही ये यंगेस्ट IPL फ्रेंचाइजी ओनर भी है। दिल्ली कैपिटल दिल्ली सिटी को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। और दोस्तों अब नंबर 7 पर आती है राजस्थान रॉयल्स। दोस्तों IPL के पहले ही सीजन की विनर टीम राजस्थान रॉयल है, लेकिन उसके बाद से राजस्थान अपनी दूसरी IPL ट्रॉफी अब तक नहीं जीत पाई है। साल 2022 में फाइनल में गुजरात टाइटंस के सामने थी, लेकिन उसमें भी हार का सामना करना पड़ा और कामयाबी वहां भी नहीं मिली। राजस्थान रॉयल्स टीम के सबसे ज्यादा शेयर मनोज बाड़ेला के पास है। इनके पास इस टीम के 65% शेयर है और रेड बर्ड कैपिटल पार्टनर के पास 15% शेयर है। रेस्लोन्स के पास 13% शेयर है। ये टीम राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों अब नंबर 8 पर आती है डेक्कन चार्जर्स। साल 2012 में डेक्कन चार्जर्स की ओनरशिप डेक्कन क्रॉनिकल बैंकक्रप्ट हुई, तब सन टीवी नेटवर्क के ओनर कलानिधि मारन ने डेक्कन चार्जर्स को रिप्लेस किया और सनराइजर्स हैदराबाद नाम की नई टीम ने साल 2013 में अपना डेब्यू किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2016 में अपना पहला IPL खिताब भी हासिल कर लिया था। आपको फिर से एक बार बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की ओनरशिप सन टीवी नेटवर्क के कलानिधि मारन के पास है। कलानिधि मारन सनराइजर हैदराबाद टीम के इकलौते मालिक है। सनराइजर हैदराबाद तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों अब नंबर 9 पर आती है लखनऊ सुपर जायंट। 2022 में डेब्यू करने वाली लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान हैं KL राहुल, जिन्हें लखनऊ 17 करोड़ रुपए देकर खरीद चुकी है। इस टीम की ओनरशिप RPSC ग्रुप के पास है, जिन्होंने इससे पहले भी IPL में हिस्सा लिया था, जो कि 2016 से 17 में था। उस टीम का नाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट था, जिसमें 2016 के कप्तान MS धोनी थे और 2017 के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ थे। टीम लखनऊ उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है और इन होम ग्राउंड इकाना क्रिकेट स्टेडियम है। लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए RPSC ग्रुप ने 790 करोड़ की भारी भरकम रकम से अपना अधिकार जमाया था। अब नंबर 10 पर आती है पंजाब किंग। IPL की सबसे अनसक्सेसफुल टीम पंजाब किंग ने बस एक ही बार IPL के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और एक ही बार IPL के फाइनल में जगह बनाई थी। पंजाब किंग टीम के एक नहीं बल्कि 4 मालिक हैं। मशहूर भारतीय कंपनी डाबर के डायरेक्टर मोहित वर्मा इस टीम के सबसे पहले और सबसे बड़े ओनर है, जो कि टीम के 46% हिस्से के मालिक है। इस टीम के दूसरे ओनर है मशहूर ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन नेस वाड़िया, जो कि इस टीम के 23% हिस्से के मालिक है। इस टीम की तीसरी ओनर है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा, जो कि इस टीम की 23% हिस्से की मालकिन है। प्रीति जिंटा हर साल नीलामी के समय टीम के साथ रहती है। इस टीम के चौथे ओनर है द एंड द ग्रुप के सबके मालिक सप्तऋषि, जो कि इस टीम के 18% के मालिक है। पंजाब किंग पंजाब को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड इंद्रजीत सिंह बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने फेवरेट प्लेयर का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।